स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और कुछ एक्सपर्ट से उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। इस साल यानी कि साल 2020 के शुरुआती महीनों में दुनिया भर में ऐसा काफी कुछ हुआ जो हमने पहले कभी देखा सुना नहीं था। कोरोना वायरस की शुरुआती आहट से लेकर हजारों लोगों के मारे जाने तक और लॉकडाउन के अलग अलग दौर के बीच दुनिया भर में बेबसी और झुंझुलाहट की न जाने कितनी तस्वीरें सामने आईं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया का सिडनी शहर। मार्च के शुरुआती दिन थे। एक महिला शॉपिंग के लिए सुपरमार्केट जाती है। शॉपिंग लिस्ट में तमाम चीजों के साथ टॉयलेट पेपर भी शामिल है और यही टॉयलेट पेपर झगड़े की वजह बन जाते हैं। झगड़े का वायरल वीडियो सारी दुनिया ने देखा, आप भी सुनकर अंदाजा लगा सकते हैं। हैरानी की बात तो ये थी कि जो लोग लड़ रहे थे उनकी शॉपिंग ट्रॉली टॉयलेट पेपर से पहले ही भरी हुई थी। झगड़ा इतना बढ़ा कि स्टोर मैनेजर को पुलिस को बुलाना पड़ा। कोरोना वायरस के अटैक के बीच रोजमर्रा की जरूरत वाली चीजों को लेकर इस तरह के दृश्य कमोवेश पूरी दुनिया में नजर आए। ये वो हालात हैं जिनके लिए हम कतई तैयार नहीं थे। तो इस हफ्ते हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि महामारी और लॉकडाउन के असामान्य माहौल में लोगों का व्यवहार किस तरह सामान्य किया जा सकता है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। पार्ट वन, कोरोना और अकेलापन। We are far luckier than we were in previous generations because we have the internet. हम अपने से पहले वाली जनरेशन के मुकाबले ज्यादा किस्मत वाले हैं। आज हमारे पास इंटरनेट है, स्काइप और जूम जैसे ऐप हैं। बीते कुछ हफ्तों में हमने इनके बारे में ज्यादा जाना है। मुझे तो इससे पहले इनके बारे में पता ही नहीं था। ये है स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर स्टीवन राइटर, हमारे पहले विशेषज्ञ। प्रोफेसर स्टीवन राइटर उन मनोवैज्ञानिकों में से एक हैं जो इंसान के व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि क्राइसिस यानी कि संकट की किसी भी घड़ी में एक बात कभी नहीं कहनी चाहिए। Don't panic. That's entirely counterproductive because paradoxically what that does. Don't panic. जब आप किसी से एक कहते हैं कि घबराएं नहीं तो इसका असर उल्टा होता है। लोग घबराते हैं, बेवजह भागते हैं, बेवजह खरीदारी करते हैं। उन्हें ऐसा करता देखकर बाकी लोग भी यही करने लगते हैं और ये सिलसिला चल पड़ता है। सूचना या चेतावनी, जो भी हो, शब्दों का चयन एकदम सटीक होना चाहिए। प्रोफेसर स्टीवन राइटर कोरोना महामारी के मामले में कुछ खास शब्दों की ओर ध्यान दिलाते हैं। One of the terms we absolutely should not use is social distancing. Yes, we should physically distance. जिन शब्दों का हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए उनमें से एक है social distancing. ये ठीक है कि हमें physically दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो बीमारी को और फैलाकर लोगों को मार देंगे। इसी तरह हमें social distancing से बचना चाहिए, एक दूसरे के contact में रहना चाहिए, क्योंकि हमें पता है अकेलापन भी लोगों को मार देता है। यही वजह है कि दुनिया भर में लोग फिलहाल एक जगह जुटने की बजाय आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करके एक दूसरे के संपर्क में रहने की कोशिश कर रहे हैं। I think we've got to be realistic about the risks. मुझे लगता है कि हमें जोखिम का सच समझना होगा। हमें इस चेतावनी को समझना होगा कि लापरवाही हुई तो आगे भी हजारों लोगों की जान जा सकती है। सामूहिक समझदारी से कोरोना जैसी महामारी का खतरा कम किया जा सकता है। पार्ट टू, कोरोना और कम्युनिकेशन। I come from Italy, but currently I am in Brussels. I have access to. मैं इटली की रहने वाली हूँ, लेकिन फिलहाल ब्रसेल्स में हूँ। इटली में लोग कोरोना महामारी से किस तरह लड़ रहे हैं, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मेरा परिवार, मेरे दोस्त इटली में हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि मैं यहाँ बैठकर देख रही हूँ कि ब्रसेल्स में क्या किया जा रहा है। ये है मैरियाना अबाजियो, हमारी दूसरी विशेषज्ञ, जो यूरोपियन कमीशन में बिहेवियरल इकोनॉमिस्ट हैं। उनका मानना है कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए लोगों को खुद तय करना होगा
कि वो किस तरह से बिहेव करेंगे। For example, if in a complete lockdown everybody stays at home and try to go out as little as उदाहरण के लिए आप कंप्लीट लॉकडाउन में हैं, हर कोई अपने घर के भीतर है और तभी बाहर आ रहा है जब निकलना बहुत जरूरी हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई जरूरी काम नहीं है, फिर भी वो घर से बाहर निकल रहे हैं। ये वो लोग होते हैं जिन्हें लॉकडाउन नियमों का हवाला देकर रोका नहीं जा सकता। तो फिर इन्हें रोकने का क्या उपाय हो सकता है? Some posters now show contaminated door handles or contaminated hands, and they make it quite evident that your hands. कुछ पोस्टर्स में ये दिखाया गया कि देखिए, आपके दरवाजों के हैंडल भी कोरोना वायरस से बच नहीं पाए हैं। आपको नजर भले ही ना आए, लेकिन कोरोना वायरस आपके हाथ तक पहुंच गया है। ये तरीका कारगर साबित हुआ और लोगों को समझ में आया कि हम आखिर किससे लड़ रहे हैं। सही कम्युनिकेशन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही मुश्किल भी। लोगों का व्यवहार तय करने में कम्युनिकेशन की हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। We have to start telling people to slow down their... हमें लोगों को ये बताना पड़ेगा कि वो किसी भी सोर्स से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन पर आंख मूंद कर यकीन ना करें। हमें उन्हें बताना होगा कि हाँ, हम जानते हैं आप बहुत तनाव में हैं और आपको जवाब चाहिए। हमें उन्हें ये भी बताना होगा कि सही जवाब उन्हें कहाँ मिलेगा। भय और तनाव झेल रहे व्यक्ति को ये बात समझाना आसान नहीं है। इस दौरान हमने ये भी देखा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए कई ऊट पटांग दावे किए गए, जैसे कि ब्लीच पीने से कोरोना वायरस मर जाता है, जबकि ये दावा एकदम निराधार है। इसी तरह फ्रांस में अफवाह उड़ी कि कोकीन से कोरोना को खत्म किया जा सकता है। नतीजा, सरकार को बयान जारी करके इस दावे का खंडन करना पड़ा। फेक न्यूज कोरोना महामारी से भी पुराना खतरा है और यह खतरा कोरोना महामारी के बाद भी जारी रहेगा। पार्ट 3, पब्लिक से संवाद। डिटेल एंड फैक्ट आर द हार्ट ऑफ दिस। इफ आई वाज एडवाइजिंग अ लीडर, डिटेल और फैक्ट्स ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय मैं अगर किसी लीडर को एडवाइस दे रहा होता तो मैं कहता कि फैक्ट से बात शुरू करो और उनमें उन फैक्ट्स को भी शामिल करो जो सुनने में भले ही अच्छे नहीं लगते। ये हैं एलिस्टर कैम्बेल, हमारे तीसरे विशेषज्ञ। एलिस्टर कैम्बेल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट के प्रेस सेक्रेटरी रहे हैं। उनका काम था संकट के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की मदद करना। It was a foot and mouth epidemic. And it was when we had around the turn of the century there were protests over the price of petrol. तब foot and mouth महामारी फैली थी। पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे और उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहे थे। तब पब्लिक के साथ लॉजिकल तरीके से बात करना बहुत मुश्किल था। पब्लिक सुनने के लिए राजी ही नहीं थी। साल 2002 में जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तब फेडरल गवर्नमेंट ने एक हैंडबुक तैयार करवाई थी। इस हैंडबुक का टाइटल था क्राइसिस एंड इमरजेंसी रिस्क कम्युनिकेशन। इसके पहले ही पन्ने पर जो बड़ी बात लिखी थी वो थी कम्युनिकेशन ड्यूरिंग अ पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, यानी कि किसी बीमारी या महामारी के दौरान लोगों से बातचीत कैसे करें, कैसे संवाद करें। इसमें कुछ खास बातों पर ध्यान देने के लिए कहा गया है, जैसे सबसे पहले सटीक, विश्वसनीय, सहानुभूति रखना, कार्रवाई करना और सम्मान प्रदर्शित करना। एलिस्टर कैम्बेल का मानना है कि अमेरिका में इस समय जो इन बुनियादी बातों का ख्याल रख रहा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो हैं। What he does in these briefings, he talks about the facts, including the difficult ones, how many people have died. वो अपनी ब्रीफिंग में तथ्यों के बारे में बात करते हैं, उनमें उन तथ्यों को भी शामिल करते हैं जो सुनने में अच्छे नहीं लगते, जैसे कितने केस हो चुके हैं, कितने लोग मारे जा चुके हैं, हमारे पास कितने बेड, कितने वेंटिलेटर्स, कितने मास्क हैं, हमें कितनी जरूरत है, जरूरत की चीजें कहां से मिलेंगी। इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड किए जाने तक कोरोना वायरस के संक्रमण और उससे होने वाली मौतों के सबसे अधिक मामले अमरीका में सामने आए हैं। अमरीका में न्यूयॉर्क स्टेट सबसे ज्यादा प्रभावित है। डोनाल्ड ट्रंप और एंड्रयू कुओमो दोनों का संबंध न्यूयॉर्क से है। दोनों एक दूसरे को दशकों से जानते हैं। दोनों हर दिन कोरोना वायरस पर ब्रीफिंग कर रहे हैं, लेकिन दोनों की नेतृत्व शैली बहुत अलग है। Empathy, it has to be real. This sort of my thoughts and prayers are with. सहानुभूति वास्तविक होनी चाहिए। मेरी दुआएं आपके साथ हैं।
ये सिर्फ कहने की बात नहीं होनी चाहिए। बनावटी सहानुभूति किसी काम की नहीं। आपकी बात ऐसी होनी चाहिए जिससे लोगों को दिशा मिल सके। कहने वाला कौन है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि मैसेज यानी कि संदेश कितना स्पष्ट है। मैसेज की स्पष्टता कोरोना जैसी महामारी के दौरान लोगों का व्यवहार तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पार्ट 4, महामारी का मनोविज्ञान। If you look just at Hollywood's depiction of pandemic, आप हॉलीवुड की फिल्में देखिए, बीमारी जो महामारी बन गई और उससे जो हालात पैदा हुए, उन्हें फिल्मों में किस तरह दिखाया गया है। हर तरफ त्राही त्राही मची है। ये हैं प्रोफेसर और लेखक स्टीवन टेलर, हमारे आखिरी विशेषज्ञ। प्रोफेसर स्टीवन टेलर कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी में साइकेट्री डिपार्टमेंट में पढ़ाते हैं। Yes, I'm author of the psychology of pandemics, which was published. हाँ, मैं लेखक भी हूँ। मैंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है साइकोलॉजी ऑफ पैंडेमिक्स। ये किताब कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से 3 हफ्ते पहले ही प्रकाशित हुई थी। इस किताब में ये समझने और समझाने की कोशिश की गई है कि किसी महामारी के दौरान ह्यूमन साइकोलॉजी पर क्या असर पड़ता है। There was an anecdote of one fellow in Vancouver where I'm living during the Spanish flu. He would sprinkle sulfur into his shoes. एक किस्सा है। स्पैनिश फ्लू के दौरान एक व्यक्ति अपने जूतों पर नमक छिड़क रहा था। उससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो? जवाब मिला, इससे फ्लू नहीं होगा। किसी भी महामारी के दौरान ऐसा ही होता है। लोगों में अंधविश्वास पड़ जाता है। लोग किसी भी तरह ये महसूस करना चाहते हैं कि सब कंट्रोल में है। लेकिन ऐसे पलों में कंट्रोल बस एक भ्रम होता है और इसके भी अपने साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं। The big drivers of fear or anxiety in this pandemic are all the uncertainties. Uncertainties about how bad it will get. महामारी में अनिश्चितता से भय और चिंता बढ़ जाती है। वैक्सीन कब बनेगी, बनेगी भी या नहीं। कुछ ही लोग होते हैं जो इस अनिश्चितता से निपट लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों पर अनिश्चितता बहुत भारी पड़ती है और उनकी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल हो जाती है। जैसे कफ, अब जिसके गले में है उसके मन में कोरोना संक्रमण की आशंका बाकी लोगों से ज्यादा है। दुनिया भर की तस्वीरें और वीडियो देखकर हमारी आशंका बढ़ती जाती है। सवाल है, ऐसे में मन शांत और चित्त प्रसन्न कैसे रहे? आपको ये पता तो होना ही चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या करना है, लेकिन सनसनी मचाने वाली बातों से भी बचना चाहिए। घर परिवार दोस्तों से बात करिए। इस प्रक्रिया से भी आपको मदद ना मिले तो ऑनलाइन मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेकर देखिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुए हालात असाधारण हैं। ऐसे हालात में जीवन सामान्य नहीं हो सकता। इससे आपका व्यवहार भी निश्चित तौर पर प्रभावित होगा। कोरोना जैसी महामारी के दौरान बोरियत और बेचैनी बढ़ना भी स्वाभाविक है। इसलिए अकेलेपन को दूर करें। छोटा सा मोबाइल फोन भी आपकी बड़ी मदद कर सकता है। और हाँ, फेक न्यूज से बचें, सजग रहें।